लेखपाल संघ द्वारा कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए संघ की लंबित मांगों को शीघ्र पूर्ण किए जाने को लेकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन सौंपा गया। धरने पर कहा गया कि राज्य परिषद द्वारा लेखपाल संवर्ग की उपयोगिता को देखते हुए उनकी जायज वेतन उच्चीकरण, एसीपी विसंगति, पेंशन विसंगति, लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन एवं भत्तों में वृद्धि आदि की मांगों के सम्यक संतुति सहित प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। 2016 में शासनादेश निर्गत न होने पर आंदोलन करना पड़ा, तब 6 सूत्रीय मांग पत्र पर सहमति बनी और शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए, लेकिन वादा खिलाफी भी की गई। मांग की गई कि वेतन उच्चीकरण, वेतन विसंगति, पेंशन विसंगति, भत्तों में वृद्धि, राजस्व उपनिरीक्षक, सेवा नियमावली 2017 में संशोधन, ई डिस्ट्रिक्ट, ई गवर्नेंस एवं डिजिटल इंडिया को क्रियान्वयन करने हेतु तथा प्रोन्नति आदि की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे गए। आपकी और कितने दिन से धरना चल रहा है? धरना हमारा 3 तारीख से कंटिन्यू चल रहा है और 8 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के लेखपाल आंदोलन। दुर्भाग्य की बात है कि 3 तारीख को ही प्रदेश सरकार द्वारा इसमें लगा दिया गया, जो कि सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैये को दर्शाता है। स्ट्राइक होने की कम से कम 15 दिन का मौका है या कोई हमें नोटिस मिलता इसके बाद इसमें लगाया जाता, किंतु ऐसा नहीं किया। सरकार एक तरफ तो वार्ता का दौर चलाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ दमन और उत्पीड़न और सारे रास्ते उसने, जितना भी दमनकारी हो सकते हैं वो सारे के सारे रास्ते खोल सकते हैं, किंतु प्रदेश के साथी, प्रदेश के समस्त लेखपाल, 32,000 लेखपाल प्रदेश सरकार की इन धमकियों से कतई भी विचलित होने को तैयार नहीं है। हम लोग जब तक हमारी 8 सूत्री मांगें नहीं मानी जाती हैं आंदोलन पर डटे रहेंगे। अच्छा, नए लेखपाल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है तो उसमें? सरकार नए और पुराना कुछ कोई नहीं होता है, लेखपाल लेखपाल है। मेरे यहाँ 32,000 लेखपाल हैं, उनमें ना कोई नया है ना कोई पुराना है। ये प्रशासन की एक नीति है, तोड़ो और राज करो, जैसे कि अंग्रेज किया करते थे कि तोड़ो और शासन करो। नए और पुराने में हमें विभाजित करना चाहती है, किंतु मैं आपको प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि लेखपाल सिर्फ लेखपाल है, ना कोई नया है ना कोई पुराना है। कोई भी कार्रवाई अगर हमारे खिलाफ की जाती है, हम सारी कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आंदोलन हमारा जारी था और जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं आंदोलन जारी रहे। कोई कार्रवाई होगी तभी उसके बाद जो इतनी कार्रवाई कर दे सरकार, हमें जेल भेज दे, हमें लाठियों से मार दे, हमारे साथ जो मर्जी एस्मा के खिलाफ, एस्मा के तहत जो भी कार्रवाई सरकार करना चाहती है, हम उस सरकार से, उस कार्रवाई से कतई विचलित होने वाले नहीं हैं।